हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र मालवी। आज हम देखने वाले हैं अलंकार। यदि हम हिंदी काव्य की बात करें तो अलंकारों का बहुत अधिक महत्व होता है। जिस प्रकार से किसी स्त्री की शोभा है ना श्रृंगार से होती है, ठीक उसी प्रकार किसी काव्य की शोभा अलंकार से होती है, ठीक है ना। तो जो अलंकार है काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। यदि हम अलंकार की बात करें तो किसी वस्तु को जो अलंकृत करें वह क्या है? अलंकार कहलाता है। अब हम यहाँ पर अलंकार के भेद को समझें तो कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, है ना। तो जब किसी काव्य में अलंकार का उपयोग होता है तो उसकी उपयोगिता के आधार पर उनमें भेद होते हैं, जैसे कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। यदि हम शब्दालंकार की बात करें तो किसी शब्द का उपयोग करने पर काव्य में जो चमक पैदा होती है ना, काव्य को पढ़ने में जो आनंद प्राप्त होता है ना, तो काव्य की जो चमक शब्दों से बढ़ती है तो वहाँ क्या होता है? शब्द अलंकार। अर्थालंकार मतलब जहाँ पर किसी शब्द के अर्थ से काव्य की चमक बढ़ती हो वो क्या होगा? अर्थालंकार। और उभयालंकार मतलब जहाँ पर दो अलंकार का कॉम्बिनेशन हो या कोई ऐसा अलंकार कि हम समझ ना पाए कि दो दो में से मतलब या फिर उनको पृथक ना कर पाए हम, तब वहाँ क्या होता है? उभयालंकार। मतलब दोनों ही अलंकार का कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पर, वहाँ क्या होगा? उभयालंकार, ठीक है। तो ये हमने देखा शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यदि हम शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार में भी फिर क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के अलंकार होते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति। ये सब क्या है? शब्दालंकार के ही पार्ट है, ठीक है। फिर अर्थालंकार में बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह इत्यादि। उभयालंकार में संसृष्टि, संकर, ये सब क्या है? इन अलंकार के प्रकार है, ठीक है। यदि हम शब्दालंकार की ही बात करें तो हम देखते हैं शब्दालंकार को डिटेल में समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शब्द के प्रयोग के द्वारा काव्य की चमक बढ़ती हो वो क्या होता है? शब्दालंकार होता है। तो अर्थ शब्दों के द्वारा चमत्कार पैदा होता है, वहाँ क्या होता है? शब्दालंकार। अब शब्दालंकार में हम देखें तो पहला क्या है? इसका पहला टाइप अनुप्रास अलंकार, इसको समझते हैं अनुप्रास अलंकार को। ये अनुप्रास अलंकार होता क्या है, किस प्रकार से इसका काव्य में उपयोग है, या काव्य में इसका हम देखते हैं कि कवियों द्वारा ने इसका उपयोग किया है। तो अनुप्रास जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, मतलब जब कोई शब्द शब्द नहीं वर्ण, ठीक है, लेटर, जब कोई वर्ण बार बार आए किसी काव्य में, तब वहाँ पर क्या होता है? जो चमत्कार पैदा होता है उसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर हम चारु शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम चंचल शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, चार ना ही चंद्र शब्द की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चारु चंद्र की चंचल। यहाँ पर देखिए, देखिए आप शब्द शब्द में वर्ण देखें, चारु में भी च है, चंद्र में भी च है और चंचल में भी च है। तो मतलब क्या है? वर्ण क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। जब वर्ण की आवृत्ति, बार आवृत्ति मतलब उसका रिपीटेशन हो रहा है, बार बार उसी वर्ण का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुप्रास अलंकार के उपभेद। अब अनुप्रास अलंकार के भी क्या होते हैं? भेद होते हैं, जैसे छेकानुप्रास, नृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, है ना, इसी प्रकार से श्रुत्यानुप्रास। ये सब क्या है? अनुप्रास अलंकार के ही भेद हैं। यदि हम छेकानुप्रास की बात करें तो छेकानुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार। अब यहाँ पर आवृत्ति तो होती है अनुप्रास, लेकिन एक से अधिक बार हो रही है, तब वहाँ क्या होगा? छेकानुप्रास होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ राजू, ठीक है ना। वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार, वर्णों की, यहाँ पर किसी एक वर्ण की बात नहीं हो रही, मतलब एक से अधिक वर्ण भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे च च में च ही हुआ था, यहाँ पर छेकानुप्रास में हम बोल सकते हैं कि एक वर्ण तो क्या हो गया? मुद मंगल, मतलब मैं, मुद में भी मैं है, मंगल में भी क्या है? मैं है।
यहाँ पर जग में भी मैं है और जंगम में भी मैं है, जय है। जग में भी जय है, जंगम में भी जय है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं वर्ण भी रिपीट हुआ है और जय वर्ण भी रिपीट हुआ, मतलब दो वर्ण हुए रिपीट। मतलब जहाँ पर एक से अधिक वर्ण क्या हो, आपकी आवृत्ति हो, तो मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है और जय वर्ण की आवृत्ति हुई है। मुद मंगल मैं जग जंगम जय जय, मतलब क्या है दो वर्ण हुए, तो यहाँ क्या क्या होगा, छे का अनुप्रास होगा। ठीक है, कंडीशन नेक्स्ट है प्रत्यानुप्रास। प्रत्यानुप्रास में क्या है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, है ना। अब यहाँ पर वर्ण एक ही है लेकिन उसकी आवृत्ति अनेक बार हो रही है, वहां क्या होगा, प्रत्यानुप्रास। जैसे काम को कीलमल, है ना, कारगन के काम को कीलमल करगिन के, काम को कीलमल करगिन के, क सब में क्या है, क एक बार दो बार नहीं, बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति या आवृत्ति हुई है। वहां पर क्या है, एक ही वर्ण क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, क वर्ण, क। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर प्रत्यानुप्रास। छेकानुप्रास में वर्ण एक वर्ण नहीं, एक से ज्यादा वर्ण होंगे, जबकि प्रत्यानुप्रास में वर्ण एक ही है लेकिन उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, रिपीट हो रहा है बार बार, प्रत्यानुप्रास। फिर है लाटानुप्रास, जब क्या हो, जब एक शब्द या बाकी खंड की आवृत्ति हो। यहाँ पर अब क्या होगा, एक शब्द की बात हो रही है या एक वाक्य खंड क्या हो, बार बार आ रहा हो, यहाँ पर वर्ण नहीं, अब शब्द की बात हो रही है ना, तो वहाँ क्या होता है, लाटानुप्रास। एग्जाम्पल देखें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर देखें मनुष्य, तो फिर क्या आया, मनुष्य, मैं मनुष्य 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 शब्द है, मनुष्य शब्द है, फिर एक और मनुष्य शब्द है। मतलब लाटानुप्रास में शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, वहां क्या होता है, लाटानुप्रास। नेक्स्ट है आपका अंत्यानुप्रास। अंत्या मतलब जब अंत में तुक मिलता हो, आपने देखा होगा तुकबंदी, है ना, तो जब किसी काव्य को पढ़ते हैं तो उसमें तुक बनता है, तुकबंदी बनती है, तो वहां क्या होता है, अंत्या। जैसे मांगी नाव न केवटु आना, कही तुम्हार मर्मु में जाना, आना जाना, आना जाना क्या, तुकबंदी है, तुक है, है ना, तो यहाँ पर क्या है, आना और जाना, तो अंत में तुक हो रहा है, तुकबंदी हो रही है, तो क्या हो रहा है, अंत्यानुप्रास है। क्या है ये, अंत्यानुप्रास। नेक्स्ट है आपका श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या में क्या होता है, जब एक ही वर्ण के वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण के वर्णों की, मतलब त वर्ण हो, है ना, त वर्ण में त थ ध, मतलब इसी एक ही वर्ण के बहुत सारे वर्ण क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, एक ही वर्ण शैली के, एक ही वर्ग के वर्ण की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, तो क्या होगा वहां पर, श्रुत्यानुप्रास। जैसे दिनांत था थे, दिन नाथ दूर थे, है ना, सधेर आते गृह ग्वाल बाल थे, मतलब कि त थ द ध इन्हीं का क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, तो ये क्या है, सत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, उसमें देखिए त वर्ग है, त थ द ध न की आवृत्ति हो रही है, तो क्या है, श्रुत्यानुप्रास। अब ये हमने देखे क्या, अनुप्रास अलंकार। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है दो, यमक मतलब क्या होता है, दो, एक ही शब्द का बार बार उपयोग हो और क्या हो, पर अर्थ अलग अलग आ जाए। अब शब्द यहाँ पर क्या होगा, एक ही शब्द का उपयोग बार बार हो रहा है ना, दो बार हो रहा है, यमक मतलब दो बार हो रहा है, एक साथ हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए डर जो पाए बोराए, कनक 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 कनक, यहाँ पर कनक दो बार है लेकिन दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। कैसे, कनक 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 ते सोगुनी, मतलब कनक 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 क्या होता है, धतूरा के नाम भी है, तो कनक सोने का नाम भी है, ठीक है ना, कनक सोना जिसको मिल जाए एकदम से, इसको सोने ज़्यादा मिल जाए तो क्या होगा, गोल्ड ज़्यादा मिल जाए तो क्या होगा, बुरा जाएगा, पागल हो जाता है, ठीक है ना, उसके नशे में डूब जाता है। उसी प्रकार जो धतूरा खा लेता है उसको भी क्या होता है, नशा होता है, उसे खा लेने से क्या हो जाता है, वो भी बोरा जाता है। यहाँ पर कनक के दो शब्द हैं, कनक कनक दो बार हुआ है, दोनों की अलग अलग अर्थ है, कनक कनक के सोगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए नर जो पाए बोराए, मतलब जिसे सोना मिल गया वो भी पागल हो जाता है या बोरा जाता है या नशे में डूब जाता है, उसी प्रकार जिसे जिसने धतूरे का सेवन कर लिया वो भी क्या हो जाता है, बोरा जाता है। तो कनक शब्द का दो अर्थ यहाँ पर आपको देखने को मिला। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार।
श्लेष में क्या होता है, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, शब्द एक ही। अब शब्द कनेक्ट करके जैसे दो बार हुआ, जैसे पैसे नहीं आएगा, अब उसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। जैसे रहीमन पानी रागी है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर क्या है, पानी 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 शब्द देख लीजिए तो उसका अर्थ क्या है अलग अलग निकलेगा। रहीमन पानी रागी है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मतलब यहाँ पर रहीमन बोल रहे हैं पानी मतलब मान सम्मान भी है, मतलब इंसान के पास पानी रहना चाहिए, मतलब मान सम्मान रहना चाहिए, क्योंकि एक बार पानी उतर जाए, पानी चला जाए तो क्या हो, किसका पानी, इंसान की इज्जत चली जाए तो वो भी क्या होती है, वापस नहीं आती। फिर पानी मतलब मोती के लिए भी पानी, मतलब मोती पानी मोती पर पानी होता मतलब चमक होती है, मोती पर पानी होना मतलब मोती पर चमक, यदि मोती का पानी चला जाए तो मोती मोती भी क्या होता है, चमक खो देता है, ठीक है। फिर चून मतलब आटे में भी क्या होता है, पानी का उपयोग होता है, बिना पानी के आटा नरम नहीं होता। तो मतलब किसी में भी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे मोती हो आटा हो, हर जगह पानी का अपना महत्व है, यदि पानी नहीं होगा तो वो इनका अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहीं पर पानी के तीन अर्थ हो गए, कई मन पानी राखिए, बिन पानी सब चून, पानी गए अपना उबरे मोती मानस चून, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को समझा। आज हमने अलंकार की परिभाषा को भी ध्यान से देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए अलंकार हैं हमारे, जैसे कि उत्प्रेक्षा, मान विकरण, विरोधाभास, है ना, उभय अलंकार, शब्द अलंकार, उभय अलंकार भी है ना, इन सभी को हम देखेंगे, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।